तो हमारी धरती की तरफ रोज लाखों उल्कापिंड खींचे चले आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सतह पर पहुंच पाते हैं। ये उल्कापिंड में आकार में काफी छोटे होने के कारण पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बाकी आकार में बड़े होते हैं, वे सतह से टकरा जाते हैं, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। आपने भी कई जगहों पर उल्कापात जैसी घटनाओं के बारे में सुना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी पृथ्वी पर हर रोज 15,000 टन का अंतरिक्ष मटेरियल गिरता रहता है। पिछले कुछ हजार सालों से हमारी धरती पर उतने बड़े उल्कापिंड नहीं गिरे जो भारी तबाही ला सके, लेकिन लाखों सालों पहले हमारी धरती पर ऐसे विशालकाय उल्कापिंड गिरे थे जिससे बहुत बड़ी तबाही हुई थी। वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि उल्कापिंड की बारिश के कारण ही डायनासोर जैसे विशालकाय जानवरों की प्रजाति का अंत हुआ है। लेकिन हाल में ही नासा के वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है कि बहुत बड़ा उल्कापिंड हमारी अर्थ से टकरा सकता है। आज हम आपको इस उल्कापिंड से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वैज्ञानिक घटनाओं की जानकारी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहे विशालकाय उल्कापिंड की खोज की है। बताया जा रहा है कि ये उल्कापिंड माउंट एवरेस्ट से कई गुना बड़ा है। हालांकि नासा के कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस उल्कापिंड से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये धरती से कई किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ये धरती से टकरा भी सकता है। दोस्तों, अगर ये उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जाता है तो तबाही ला सकता है। ये एक पूरे शहर को तबाह कर सकता है, इसलिए अगर ये धरती से ना टकराए तो ही अच्छा है। 31,319 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहे इस उल्कापिंड को 52768 नाम दिया गया है। इस उल्कापिंड को नासा ने सबसे पहले 1998 में देखा था। अनुमान है कि ये उल्कापिंड अगले महीने 29 अप्रैल को धरती के पास से गुजरेगा। इस बारे में नासा के वैज्ञानिक ने एक बयान जारी कर बताया कि उल्कापिंड 52768 सूरज का एक चक्कर लगाने में 1340 दिन यानी पृथ्वी के 3.7 ईयर्स के बराबर का समय लगाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार छोटे उल्कापिंड कुछ मीटर के होते हैं और अक्सर वायुमंडल में घुसते ही जलकर खाक हो जाते हैं। इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। बता दें कि साल 2013 में लगभग 20 मीटर लंबा एक उल्कापिंड वायुमंडल से टकराया था। एक 40 मीटर लंबा उल्कापिंड 1908 में साइबेरिया के वायुमंडल से टकरा कर जल गया था। जो उल्कापिंड अब हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है, अगर इस आकार का कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है तो ये एक पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है या फिर बड़ी सुनामी भी ला सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकरा जाएगा या फिर हम बच जाएंगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।